की तलाशी इस हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपको चेक करना है। ध्यान में रहेगा, ध्यान में आएगा, किससे चेक करना है आपको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। समझ गए सब लोग क्या बोलेंगे इसको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या बोलेंगे? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनको चेक करेंगे। लेकिन बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग सुरक्षा रक्षक है, डेल्टा सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विस से है। हमको यहाँ पे सुरक्षा रक्षक डेल्टा कंपनी से रखा गया है, बराबर। इसके लिए हमें हमारे कंपनी का नाम रोशन करना है, बराबर, और उसी तरह सुरक्षा यहाँ पे करना है। सुरक्षा रक्षा का काम है जान की रक्षा करना, इस परिसर की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। क्या करना है? सबका बराबर सम्मान करना है। जान की रक्षा यानी यहाँ पे अगर कुछ हादसा होता है तब हमें यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट है, बराबर। यहाँ पे जो है जिस डोर से आना है उनको, पब्लिक को जो डोर से आना है, हमारे जो गेस्ट आते हैं अंदर, तो उनको एक रास्ते से लाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एंट्री गेट। क्या बोलते हैं? एंट्री गेट। एंट्री गेट से जो आते हैं उसको, वो दरवाजा है यहाँ पे लगा है, उस दरवाजे का नाम डोर। जोर से बोलो डोर। फ्रेम मेटल डिटेक्टर। समझ गए? उस दरवाजे से वो आते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। कौन सा दरवाजे से आते हैं? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। समझ गए? हम यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, मगर जब सुरक्षा कर रहे हैं तो पहले इक्विपमेंट से वो आ जाते हैं, उसका नाम है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। समझ गए? समझ रहे हो आप लोग? उसके बाद हमें वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर को देखना है। क्या करना है? हमें उस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर को देखना है, उसकी सेंसिटिविटी को देखना है। समझ गए? वहाँ से आते हैं, जब वहाँ पे रेड लाइट चालू होती है, मेटल का लेवल होता है, वो मेटल का लेवल बताया जाता है, सेंसिटिविटी कितना रखना है, वो सेंसिटिविटी। अभी किसी के जेब में पेन है, बराबर, फिर भी वो क्या है? मेटल है। किसी के जेब में चावी है तो क्या है? वो भी एक मेटल है, बराबर। और क्या है मेटल की चीज़ें जो बॉडी में आती है? जब कोई बेल्ट पहनता है तो वो भी एक क्या है? मेटल है। तो भी उसको बजना है। उसके बाद में किसी के जेब में पैसे रहते, कॉइन रहते, तो वो भी बजना है, बराबर है। तो एक सेंसिटिविटी रखी जाती है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि पेन का कितना आवाज आएगा, उसके बाद में बेल्ट का कितना आवाज आएगा, उसके बाद में चाबी का कितना आवाज आएगा, उसके बाद में कॉइन का कितना आवाज आएगा, बराबर। ये सारे चीज़ें मेटल जो है वो सेंसिटिविटीज थोड़ा कम कर देती है, ज़्यादा बढ़ा सकती है। ज़्यादा बढ़ाने के बाद बस उसी का ही हमें आवाज़ आएगा, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा भी गन जो रहता है वो मेटल होता है, मेटल से बनाया हुआ रहता है, बराबर। वो गन की सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी, हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि सेंसिटिविटी यहाँ पे लिखी है सेंसिटिविटी और मेटल का लेवल। तो हम लोग सेंसिटिविटी अगर बढ़ाते हैं तो मेटल लेवल से हमको पता चलता है, बराबर, मेटल लेवल कितना है। अभी मेटल लेवल कोई गन लेके आता है, कोई चाकूसूरा लेके आता है, बराबर है। तो वो चाकूसूरा और मेटल गन का मेटल जो है वो लेवल बढ़ा देता है, मेटल का लेवल बढ़ा देता है। यानी यहाँ पे जो समर्थ सिक्योरिटीज का डीएफडी है यहाँ पे लगा हुआ, हमारे पास सारे हथियार हैं, जो चीज़ें हम उससे हमको चेकिंग करना होता है। हम मैनुअल है यहाँ पे खड़े रहते हैं, बराबर। हम सुरक्षा रक्षक हैं, मैनुअली हम खड़ा है कि कोई अगर वहाँ से अंदर आता है, बाहर से अंदर आता है, तो हमें उनको चेक करना रहता है। वो क्या हथियार लेके आता है? अभी 15 अगस्त नज़दीक आया है, कोई भी दुश्मन
कोई भी जगह पे हादसा कर सकता है, तो इसके लिए हमें तैयारी रखनी है। हम जब गेट पे है तब हमें इस तरह से सुरक्षा करना है, यहाँ पे खड़े होके सुरक्षा करना है। तो सामने जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? डोर फ्रेम मेटल डोर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, क्या बोलते हैं उसको? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, क्या बोलते हैं? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। हमें उस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर को देखना है, वहां से जो आदमी आया उसको देखना है। उसके बाद में वो मेटल लेवल, पहले लिखा है सेंसिटिविटी, फिर बाद में थ्रेशोल्ड लिखा है, और फिर बाद में मेटल लेवल लिखा है। सेंसिटिविटी हमने बढ़ा के रखी रहेगी तो हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल लेके आते हैं उसके ऊपर ध्यान जाएगा, मेटल लेवल बढ़ेगा, और मेटल लेवल बढ़ने के बाद हमें उनको आने के सामने आने के बाद हमको चेक करना रहता है। तो ये मशीन है हमारे पास, कौन सी है मशीन, किसी को पता है ये मशीन का नाम क्या है? समर्थ कंपनी की ये मशीन है जो हमारे हाथों में रहती है, बराबर। हमें उनको उसके बाद क्या करना है? चेक करना होता है। क्या मशीन का नाम है? हैंड, जो हाथ में पकड़ा हुआ रहता है वो पहले चीज है हैंड, क्या बोलते हैं उसको? हैंड, हेल्ड, हेल्ड यानी मैंने पकड़ लिया, जकड़ लिया, होल्ड कर लिया, बराबर। हैंड हेल्ड, समझिए हैंड का मतलब हाथ, क्या है हैंड का मतलब? हाथ, हाथ। हेल्ड का मतलब पकड़ लिया मैंने उसको, बराबर। जो हाथ में पकड़ी हुई चीज है वो मेरे पास है, वो हैंड हेल्ड। क्या चेक करेंगे हम लोग इसमें से, ये मशीन क्या चेक करती है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हो या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, क्या बोलते हैं उसको? हेल्ड, जोर से बोलो, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, यानी HHMD, क्या बोलते हैं? HHMD, H यानि हैंड, दूसरा H यानि हेल्ड, तीसरा मेटल, और चौथा डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब क्या है? मेटल का मतलब धातु, डिटेक्टर का मतलब डिटेक्ट करता है, क्या करता है? देखो डिटेक्ट किया, आवाज आई, डिटेक्ट करना यानी दिखाना, शो करता है, डिटेक्ट हुआ कि क्या हुआ, ये मेटल है, देखो यहाँ पे आ गया, ये मेटल नहीं है, यहाँ पे जब आता है तो मेटल है, बराबर है। ये चीज़ें यहाँ पे देखो मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सेंसिटिविटी है, कितनी हम लंबा रखते हैं तब आता है, देखो इतना लंबा रहने के बाद वो बचता है। हमें उसको चिपकाना नहीं है, ध्यान में रखो, हमें उसको चिपकाना नहीं है, क्या नहीं करना है? किसी को बॉडी को टच नहीं करना है, मगर बॉडी के लेवल से हमको लाना है। अभी यहाँ से भी लेके आएंगे तो भी वो चेक होगा, बराबर, आवाज़ आ रहा है, यहाँ तक आएंगे तो आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ गया तो आवाज़ आ रहा है, समझ गया हम लोग। तो ये HHMD है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, इससे हमको जो व्यक्ति अंदर आता है उसको चेक करना है, बराबर। हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, क्या है? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है, जो नया सिस्टम है, जो मेटल लेवल चेक किया जाता है, उसके बाद में हमें अंदाज आता है, क्या आता है? अंदाज आता है, इस शख्स, जो शख्स अंदर आता है उसका मेटल लेवल चेक करने के बाद, दिखने के बाद। तीसरा है मेटल लेवल, देखो आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है DFMD में मेटल लेवल, तीसरा शब्द है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लो, ये पहला सेंसिटिविटी है, थ्रेशोल्ड है, और फिर मेटल लेवल है। जो मेटल लेवल दिखाई देगा आपको वहाँ पे, दिखाई देगा लेवल क्या है, वो लेवल देखने के बाद आपको अंदाज आएगा, क्या आएगा? अंदाज आएगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेटल है। मेटल किससे बनाया हुआ रहता है? धातु से, मेटल धातु होता है, बराबर। कोई भी चीज़ें हथियारे है वो मेटल से, धातु से बनाई जाती है, उसके वजह से हमें पता चलता है कि ये लेवल के वजह से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेटल है, चाहे वो मेटल क्या है,
उस हथियार में क्या है, बराबर है। किसी को हमको चेक करना है तो हम अभी इसके सर के कोई छर सर के अंदर छुपाएगा, कैप के अंदर छुपाएगा तो बजेगा, बराबर। अभी बज रहा है, नहीं बज रहा है, बराबर। फिर बाद में हम कॉलर से ये करेंगे उनको, ये कॉलर हो गया, देखो बज रहा है, कहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे क्या है, क्या है, यहाँ पे सामने आ जाओ, हाथ ऊपर करो, बराबर। ये कैप से, बराबर, ये कैप के ऊपर से मैंने घुमा दिया, मुझे कैप निकालने की ज़रूरत है क्योंकि कोई मेटल नहीं है, बराबर। मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे क्या है, मेटल है, क्या है मेटल, ये टाई है, टाई के पीछे क्लिप रहेगा ना, वो क्लिप मेटल की है, धातु की है, बराबर। समझ रहे हो आप सब लोग, समझ गए। तो ये बजा, वापस हाथ आगे करो। फिर बाद में हम ये यहाँ पे कोई क्लिप, ये रहेगा, ये क्या है, बैज है, यहाँ से गया, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, देखो ये जो मेटल है ऊपर का कॉलर की तरफ जो टाई का रहेगा, बराबर। यहाँ पे क्या है, बेल्ट है, लेकिन बेल्ट के पीछे थोड़ी मेटल रहेगा, रहता है, हाँ हाँ, दूसरा मेटल है ना, हाँ दूसरा एक मेटल है, बराबर। उसके ऊपर से वो बेल्ट ये जाता है, बेल्ट, बराबर। ये बेल्ट है, बराबर, ये अपने को अंदाजा है, मगर यहाँ पे कुछ रखा है, ये जेब में कुछ है, ये देखो ये जेब में कुछ है, क्या है, लिखाओ, निकालो, हाँ आई डी कार्ड निकालो बाहर। आई डी कार्ड क्यों नहीं पहना आपने, पहन लो बराबर आई डी कार्ड, देखो हर एक को। अभी ये मैंने हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक किया, क्या किया, मैंने हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से किसी को चेक किया, तब वो पता चला। यहाँ पे जो क्लिप है जो टंगा हुआ है ये आईडी, उसको क्लिप लगा हुआ, उसको चेक हुआ, पता चला कि उसके जेब में क्या है। अभी ये क्या है, और सिटी है, पेन है, क्या है, क्लिप है, सिटी की क्लिप है। देखो हमें सिटी भी दी गई है, अगर कोई भाग जाता है तो उसको सिटी मारो, उसको रुकाओ, बराबर। ये सब चीज़ें हैं जो हथियार यहाँ पे जो क्या होता है, बजर बजता है, क्या बजता है, बजर बजता है। हमने यहाँ पे चेक किया, ये अंगूठी है, देखो अंगूठी के ऊपर मेटल के ऊपर क्या हुआ, हमारा HHMD घुमा तो उसके ऊपर क्या हुआ, बजर, अलार्म बज गया, बराबर। तो ये चेक करने की मशीन उसी के लिए है, बराबर। हाथ मैंने उठा लिया, ये बेल्ट को लगाया, यहाँ पे पीछे साइड में कुछ है नहीं है, यहाँ पे क्या है, देखो जेब में कुछ तो है, निकाल के दिखाओ, दोनों जेब में मोबाइल है, दिखाओ, निकालो, बराबर। ये सारी चीज़ें मेटल की है, बराबर। उसके बाद में मैं यहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा, दोनों पैर को आगे से पीछे से करूँगा, फिर बाद में यहाँ से और यहाँ से, जब यहाँ पे मैं घुमाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, कौन सा मेटल है, हाँ चेक करो पीछे, यहाँ पे क्या है, हाँ जूते, जूते के अंदर क्या है, क्या जूता में अगर नाखील है अपना, क्या बोला, खिला बोलता है ना उसको, जूते का वहाँ पे भी अगर मेटल होता है तो बजेगा। तो ये चीज उसी के लिए, ये क्या है, खड़े हो जाओ वहाँ पे। अभी किसी को चेक करना है तब हमें इस तरह से चेक करना है हमारे पूरी बॉडी को। ये HHMD क्या है, HHMD, ध्यान में रखो, हमें पहले पता था इसका नाम, नहीं पता था, नहीं पता था, हमें मालूम पड़ गया, जानकारी मिली जब हम ट्रेनिंग में शरीक हुए, बराबर। पता चल गया सबको, इसको क्या बोलते हैं, HH, मालिक ने हमें ये सारे चीज़ें दी है इक्विपमेंट के, इस जगह की सुरक्षा करने के लिए, इस जगह की सुरक्षा करने के लिए मालिक ने हमें क्या दिया है, ये इक्विपमेंट्स, हथियार दिया है हमारे पास, क्या है, क्या है, क्या है, कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, जिसको जो अटेंड नहीं किया वो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा।
लेकिन जो अटेंड किया है ट्रेनिंग वो बता पाएगा इसको HHMD हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। और जो जहां जिस दरवाजे से आते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर फ्रेम। अब ये फ्रेम टाइप है, बराबर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसके लिए फ्रेम फ्रेम बनाया हुआ है, इसके लिए उसका नाम दिया है फ्रेम। दरवाजा, जिस दरवाजे से उनको आना है बराबर, उसको क्या बोलेंगे, समझ गए, आपको समझ में आया नहीं आया क्योंकि आप लेट आए, ये मालूम है इसको क्या बोलते हैं, नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग वक्त पे अटेंड नहीं किया, बराबर। इसका नाम है हैंड, हैंड यानी हाथ, हेल्ड यानी पकड़ लिया, हेल्ड मेटल यानी इस मेटल, ये चीजें को चेक किया जाता है उसको मेटल बोलते हैं, मेटल। और ये दिखा दिया, बजर बज गया, मेटल दिखा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है मेटल, और मेटल के इधर रेड लाइट चालू हो गई, बराबर, समझ गए। तो ये हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर में कोई शख्स अंदर आता है तो वहाँ पे क्या होता है, बजर बजता है, क्या बजता है, वो मेटल का लेवल बजता है। तो मेटल का लेवल हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से हम लोग उसको चेक करेंगे, समझ गए। समझ रहे हो आप लोग, हमें इस हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से क्या करना है, चेक करना है। कोई भी शख्स अंदर आता है तो पहले हम लोग उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनका स्वागत कैसे करेंगे, सुरक्षा रक्षक का काम है, किस तरह से उनका स्वागत करेंगे, सुरक्षा रक्षक कैसे स्वागत करेगा सामने से आने वाले को, समय के अनुसार क्या बोलेगा वो, समय के अनुसार क्या बोलेगा उसको, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी सेंटर, क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, सुनाई दे, जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग सर, लेक सिटी मॉल, गुड मॉर्निंग सर, जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, लेक सिटी मॉल, मुझे आपको चेक करना है, मुझे आपको चेक करना है इस हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से, समझ गए। जो अगर वो बैग लेके आते हैं तो बैग के ऊपर हमको घुमाना है, बराबर बराबर। अगर ये बैग लेके आते हैं कोई, इसमें से हम लोग ये बैग को, थैली को पहले क्या करेंगे, इस मेटल डिटेक्टर से इससे चेक करेंगे, बराबर। बजर बज गया, जैसे बजर बजता है क्या करेंगे हम लोग, ये बजर बज गया, इसके अंदर मेटल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उनको कृपया करके इसे खोल के दिखाइए, इसके अंदर मेटल जो है वो हमें चेक करना है, बराबर। अगर कोई हथियार अगर आप लेके आते हो तो मना है, इसके लिए हमें चेकिंग करना है। कोई गन लेके आएगा, कोई चाकू सूरा कुछ भी लेके आएंगे, जो हथियार से किसी को चोट लग सकती है, किसी को दंगा मस्ती कोई कर सकते हैं, वो हथियार से किसी को डरा सकते हैं, वो हथियार इस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो मैं इसे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेक करूंगा, और चेक करने के बाद उसे, चेक करने के बाद अगर उसे डिटेक्ट करता है तो मैं उसे बोलूंगा यहाँ पे आपको बैग खोल के दिखाइए, क्या करके दिखाइए, बैग खोल के दिखाए। अगर हथियार मिल गया, हथियार मिल गया, गन मिल गई, चलो समझो गन मिल गई, क्या हुआ,
अगर इस डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से कोई शख्स अंदर आता है, उसका लेवल दिखाई देता है, मेटल लेवल क्या है, बड़ा दिखाई देता है, उसके बाद में हम उनको चेक करेंगे। क्या बोलेंगे उनको? गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी सेंटर, मुझे आपको चेक करना है। ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, बराबर सर पे है कुछ तो सर पे, ये तो कॉलर, फिर शोल्डर, फिर बैक, फिर चेस्ट, फिर बाद में कमर, आगे से पीछे से, फिर बाद में दोनों पैर आगे से पीछे से, इन सबको चेक करके जब हम हैंड मेल डिटेक्टर से वो जहाँ जहाँ पे बीप होता है वहाँ पे उनको क्या बोलना है, उस जगह से उनको सामान निकालने के लिए बोलना है और यहाँ पे रखो, मुझे आपको चेक करना है। अगर उसमें से किसी का, किसी के हाथ में, किसी के अंदर जेब में, कहीं पे भी अगर गन मिलता है तो गन का आपको क्या पूछना है, लाइसेंस पूछना है और उस लाइसेंस का एंट्री, उनका नाम, वो सब एक रजिस्टर रखना है। क्या रखना है हमको? एक रजिस्टर रखना है, उस रजिस्टर में उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके लाइसेंस नंबर, ये सब चीज़ें क्या करना है, नोट करना है, तब जाके उनको अंदर आप छोड़ सकते हो। नहीं तो आप पुलिस को फ़ोन करके उसका, उनका कंप्लेंट कर सकते हो। बिना लाइसेंस का अगर कोई गन रखता है तब आप अपने सीनियर को पहले बताएंगे और पुलिस में बताएंगे, बराबर सीनियर को पूछ के ही। हमारा ये काम है, अगर लाइसेंस है तो उसको अंदर आने की इजाज़त है, अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, हम उनके नाम पे FIR कर सकते हैं, बराबर। अगर कोई छुरी लेके आता है, कोई चाकू लेके आता है, तब हम उनको एंट्री नहीं देंगे। ये चीज़ें, नुकीली चीज़ें यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त नहीं है, समझ गए? ये सारे चीज़ें, ये क्या है, कॉरपोरेट ऑफिस है, क्या है यहाँ पे, कॉरपोरेट ऑफिस है, ऑफिसेस है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ अंदर घुस जाती है तब हमें उनसे धोखा है, तो इसके लिए हमको चेकिंग करने के लिए यहाँ पे डेल्टा फैसिलिटी सर्विसेज की तरफ से एक सुरक्षा रक्षक तैनात किया है, सुरक्षा रक्षक को तैनात किया है, उन्हें क्या करना है, चेकिंग करना है, बराबर। चाहे वो लेडीज़ हो या चाहे वो जेंट्स हो, उनकी आते हैं तो उनकी बैग चेक करो। लेडीज़ के लिए क्या लगा के रखा है यहाँ पे, यहाँ पे पर्दे लगा के रखे हैं, उनको अंदर की तरफ से आपको चेकिंग करना है, बराबर। आप क्या करते हो, अंदर बाहर चेक करते हो, तो उनको अंदर लाके उनको चेक करना रहता है और उनकी तलाशी इस हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपको चेक करना है। ध्यान में रहेगा, ध्यान में आएगा, किससे चेक करना है आपको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, समझ गए सब लोग? क्या बोलेंगे इसको? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या बोलेंगे? हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से उनको चेक करेंगे। लेकिन चेक करने से पहले जब वो शख्स अंदर आता है तब हम उनका स्वागत करते हैं, क्या करके? समय के अनुसार 12 के पहले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, बराबर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, क्या है मॉल का नाम, लेक सिटी, वेलकम टू लेक सिटी सेंटर, लेक सिटी मॉल, ठीक है। उसके बाद मुझे आपकी तलाशी लेनी है, मुझे आपको चेक करना है, आप बोलेंगे उनको और फिर बाद में वो चेक करने के लिए अनुमति देंगे। अगर जेंट्स है तो हाथ फैला के उनको चेक करना है, पहले आप बैग यहाँ पे रखिए, बैग यहाँ पे रख के बाद बैग चेक हो जाएगा, फिर उनको चेक हो जाएगा। इसी तरह से आपको उनको चेक करना है और चेक करने के बाद शुक्रिया क्या करना है, थैंक यू, आपने सहायता की हमें सुरक्षा, हमारी मॉल की सुरक्षा के लिए आपने जो क्या किया है, जो वक्त दिया है, जो कोऑपरेट किया है, उसके लिए शुक्रिया। ये चीज़ें हमको क्या करना है, उनसे बात करके बोलना है, चार लोगों को सुनाई दे, इसी तरह हमको उनसे बोलना है।
वेलकम टू लेक सिटी सेंटर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, मुझे आपको चेक करना है, प्लीज यहाँ पे आइए, बैग यहाँ पे रखिए, बैग चेक होगा फिर बाद में उनकी बॉडी चेक होगी, लेडीज होगी तो लेडीज बॉक्स में यहाँ पे उनको चेक किया जाएगा, समझ गए। हमारे पास क्या है हथियार, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। हेलो हेलो, हाँ आधे घंटे में आ रहा हूँ, हाँ तो आधे घंटे में आ रहा हूँ ना, हाँ ठीक, समझ गए सब लोग, समझ गए क्या बोलते हैं उसको, हैंड हेड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम डिटेक्टर। ध्यान में रहेगा सबको, इसी तरह खड़े रह के सामने वाले आने वाले का स्वागत करके उनका वेलकम करके उनको बोलना है कि मुझे आपको चेक करना है, उसी तरह से आप उनको चेक करेंगे, बराबर समझ गए सब लोग। सुरक्षा रक्षक कैसे चेक करेगा इनको, आप चेक करके दिखाओ, इनको चेक करके दिखाओ, यहाँ पे आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, हाँ पहले वहाँ से आ जाओ, आप वहाँ से डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से आ जाओ, तो आपको बोलना है उनको, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, जोर से बोलना है, जोर से बोलना है, वो आएंगे तब, रुको रुको, जोर से बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, और फिर बाद में क्या बोलोगे, मुझे आपको चेक करना है, जोर से बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर, बोलो जोर से, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, मुझे आपको चेक करना है, आइए सर, ये क्या है दिखाइए, ये क्या है जेब में, दोनों इसमें, ओके थैंक यू सर। इस तरह से आपको जो जो आता है उनको चेक करना है, समझ गए, समझ में आया, एक्सक्यूज मी कम हियर प्लीज, प्लीज कम फ्रॉम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, क्या बोलेंगे हम लोग, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से आइए, बैग यहाँ पे रखिए, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपको चेक करना है, रख दीजिए, हाँ यहाँ पे हाथ है पहला, देख यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल आपको दिख रहा है, बराबर बीप हो गया, ओके वहाँ पे क्या है, जूता, जूते के ऊपर क्या है, मेटल है, छोटा मोटा मेटल है, ठीक है चेक कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू लेक सिटी मॉल, ओके सर बैग यहाँ पे रखिए, घड़ी है, मेटल आ गया, बराबर यहाँ पे ये टिकड़े क्या पार्टी में क्या काड़ा मोबाइल है काड़ा था ना, थैंक यू सर, ये बोल के उनको आगे कर, ठीक है थैंक यू सर, समझ गए, जो भी आता है आपको मुँह से बोलना है, मुँह से बोलोगे तब सामने वाले को पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो और क्या करना चाहते हो, हमें ज़्यादा करके आप लोग बोलेंगे बात करेंगे तब, नहीं तो क्या हुआ, डरे हुए अगर आप अंदर आते करते हो काम तो कोई मतलब नहीं, सिक्योरिटी के पास पीछे हाथ साहब, विश्राम में जब भी खड़े रहेंगे विश्राम में खड़े रहेंगे, आ जाओ, समझ गए आप लोग, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना है?